अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हमारे पास एक फायर एग्जीबिशन है जिसकी हम बुनियादी चीज़ों को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं ये कितने वेट का है, 3 kg का है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। वैसे तो बहुत सी जगह यूज़ होता है, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आग वगैरह लग गई किसी भी चीज़ में, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे कहीं पे ऑयल, मिट्टी का तेल या किसी पेट्रोल वगैरह गिर जाए जहाँ आग लगने का डर हो या आग लग सकती हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आग लग रही हो उस पर, कहीं बिजली गिर जाए उस पर, उसके अलावा भी इसकी इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी पिन खोलेंगे, फिर उसके बाद इसके हैंडल को हम अपना सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैंडल को पुश करेंगे तो यहाँ से आपका मटेरियल निकलना शुरू हो जाएगा, जो धुएं की सूरत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो पिन होती है, उम्मीद नज़र आ रहा होगा उसको, ये पिन होती है। हर फायर एग्जीबिशन में ऐसी पिन होती है। जब हम इस पिन को खींचते हैं अपनी तरफ, जैसे पिन को खींच लेंगे हम, तो ये सील भी टूट जाएगी। बाज में होती है, बाज में नहीं। सील को आप खींच देंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, इस तरीके से पिन निकल आएगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के तौर पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिन निकल आई, फिर जब हम इसको पुल करेंगे, दबाएंगे इसको पूरी ताकत से, जैसे ये हम इसको ऐसे दबा देंगे, जब ये दब जाएगा तो यहाँ से निहायत तेज़ वाइट रंग का पाउडर निकलेगा, ठीक है। जो हमारा फायर एग्जीबिशन है, ये वाइट रंग के पाउडर का है, तो इतना ज़्यादा होगा कि आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो काइंडली जब भी इस्तेमाल करें तो ख्याल से इस्तेमाल करें। फायर एग्जीबिशन एक बेहतरीन चीज़ है अगर इसको सही मानों में इस्तेमाल किया जाए। अब हम इस पिन को दोबारा लगा देंगे, और काइंडली बच्चों से दूर रखें, ये नहायत ख़तरनाक चीज़ होती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। काइंडली इसको बच्चों से दूर रखें और अपना ख्याल रखना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।